खबर अब मथुरा से है, जहां थाना जैत क्षेत्र में छटीकरा माइनर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और तस्वीर भी सामने आ चुकी है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को मिली है, और इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, इनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। 3 की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से। मथुरा से यह खबर सामने आई है। इनके पास से मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई वो कुल्हाड़ी, और वो रस्सी जिससे उनका गला खींचा गया था, बरामद किया गया है। अभियुक्तों को, घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। मुकदमे के खुलासे के लिए, घटना के खुलासे के लिए जैत पुलिस टीम को उचित पारितोषिक दिया जाएगा। और इधर मथुरा के थाना राय क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास कपूर बगीचे के पास सर्विलांस और स्वाट टीम से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया इस दौरान, जिसके पैर में गोली लगी है। इनामी बदमाश के साथ पुलिस ने 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। चोरी के 3 ट्रैक्टर, 1 अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। तो 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और साथ में 3 अन्य साथी की भी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। और तीनों के पास से चोरी के जो भी सामान थे उन्हें बरामद करा गया, अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहाँ मुठभेड़ देखी गई। मथुरा से ये खबर भी सामने आई है, मथुरा के थाना राया क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में गिरफ्तारी भी हुई है। कौशाम्बी में पुलिस ने लव जिहाद के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी आरिफ को मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। नाब के जरिए चित्रकूट भाग रहा था यह आरोपी, और जिस तरीके से यहाँ मुठभेड़ हुई थी, आरोपी ने धर्म परिवर्तन और नमाज ना पढ़ने से मना करने पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। तो एनकाउंटर में आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है। लव जिहाद का ये पूरा मामला, लव जिहाद मामले में ये कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ देखी गई थी यहाँ पर आरोपी और पुलिस के बीच, हालांकि उसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, और इसीलिए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। मुरादाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त श्वेताब तिवारी अपने ऑफिस से निकल रहे थे, इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी थी। श्वेताब तिवारी की हत्या की खबर मिलने के बाद एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल श्वेताब तिवारी के परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं, और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित कर दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या के बाद हड़कंप अब मचा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश यहां पर शुरू कर दी है, कई टीमों का गठन कर दिया गया है। और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है, परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं, जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।